2014 से 24 के आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ मैं भारतीय हूं, गर्व के साथ कहता है हाँ मैं भारतीय हूं, और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ जो कोई भी जाता है इसका बड़ा सम्मान होता है। ये 10 साल में विकास की प्रक्रिया से पूर्णतया कटे हुए 60 करोड़ गरीब, जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक अकाउंट नसीब नहीं हुआ था, घर में टॉयलेट नहीं था, घर में गैस नहीं था, घर में बिजली नहीं मिली थी, नल से पानी नहीं मिला था, खाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हरेक को बैंक अकाउंट, हरेक घर में नल से जल, हरेक घर में शौचालय, हरेक घर में गैस, और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है, और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह दिखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचाए, अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया, और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए, हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है, ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है, ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं, ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है, आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, CAA लाना, ढेर सारे UCC लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। 10 साल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। हम 3 हॉटस्पॉट से ग्रसित थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। मोदी जी के समय में ये 10 साल में कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह पे लगभग 75% हिंसा कम हुई है और वहां विकास का शुरुआत हुआ है। और ये 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले देश के विकास के लिए सिर्फ सरकारें लगा करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने महान भारत का संकल्प 130 करोड़ लोगों के स्वप्न बनाकर रखा है, और मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तब महान भारत की रचना के लिए कटिबद्ध है और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा।